स्मार्ट सिटी भागलपुर में ट्रैफिक सिग्नल की हुई शुरुआत। भागलपुर शहर में लगने वाले जाम से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए आज से ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था 14 जगहों पर चालू कर दी गई है। इसके पहले 23 तारीख को सिग्नल चालू कर ट्रायल लिया गया था, लेकिन उस समय काफी जाम लगने के कारण थोड़ी देर बाद से ही बंद कर दिया गया। वहीं इसमें कई तरह के सुधार के बाद इसे आज पुनः चालू किया गया है। इसको लेकर लोग भी इस व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ लगातार घूम घूम कर आज से चालू हुई नई व्यवस्था को देख रहे हैं। उनका कहना है कि जहां कुछ गड़बड़ी आ रही है उसको देखा जा रहा है और 1 से 2 दिन के अंदर उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। से सभी लोग हैं यहाँ पे, लगातार स्मार्ट सिटी की टीम जो ट्रैफिक डीएसपी साहब की जो टीम है, ट्रैफिक एसएचओ साहब, सभी लोग हैं यहाँ पे और लगभग सभी जगह ठीक ही ठाक चल रहा है। कुछ समस्याएं हैं, उसी को स्टडी करने के लिए किया गया। आप लोग को भी जानकारी है कि एक एल्गोरिदम पे सारी ट्रैफिक सिग्नल काम करती है, तो हम लोग उसी का आकलन कर रहे हैं कि किस जगह पे कितना समय हम लोग को ग्रीन सिग्नल और कितना रेड, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। उस मुताबिक आप हम लोग 1-2 दिन में आकलन करके उसको फिक्स करेंगे, तो निश्चित रूप से जो जाम की समस्याएं हैं इससे निजात पाने में मदद मिलेगी। जहाँ जहाँ डिवाइडर लगाए गए हैं कुछ जगहों पर ऐसा है कि बहुत छोटा सड़क हो जा रहा है, बड़ी गाड़ियां पार नहीं कर पा रही है। देखिए, जहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, अगर जहाँ पे इंक्रोचमेंट है तो वही हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको भी हटवाएंगे। जहाँ पे रोड ही अगर है कि जहाँ पे बहुत चौड़ी नहीं है, तो हम लोग ये एक बार एक्सप्लोर करेंगे कि क्या उसका फ्लैंक को फर्दर एक्सपेंड किया जाता है कि नहीं। और डाइवर्जन रहने से ना, और जो डिवाइडर रहने से, अगर थोड़ा रोड कम भी चौड़ी है लेकिन लेन में अगर लोग चले तो समस्या नहीं हो। मेन है टाइमिंग सिग्नल का, तो उसको हम लोग 1-2 दिन में स्टडी करके उसको रेगुलेट करें। सिग्नल के बाद सर जाम लगने का सिलसिला है, ऐसा नहीं लगता कि जब चौड़ीकरण पूरा हो जाता तब इसे चालू करवाना? नहीं, देखिए फिर वही वाली बात होती है, कभी 100% कभी भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, सभी चीज़ें साथ में चलती हैं। तो वही है कि जैसे देखिए, आप कुछ कार्य करते हैं तभी आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो इसीलिए इसको शुरू किया गया है ताकि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो कि कहाँ पे समस्याएं आ रही है, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। स्कूल अभी बंद है फिलहाल, तो गाड़ियाँ कम है, अगर स्कूल खुलती है उसके बाद किस तरह का सिचुएशन? इसीलिए तो हम लोगों ने अभी किया है ना, ताकि हम लोग जो मेजर पॉइंट्स है, जो मेजर हम लोग के रोड ब्लॉक्स है, वो आइडेंटिफाई हो सके। ट्रैफिक सिग्नल की भी शुरुआत आज की गई है, निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से और एक बार जो है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद यह टू वे की व्यवस्था हुई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको जांच कर और इसको देख कर फिर जो है उसको पूरी तरह से जो है हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पहले जो वन वे की व्यवस्था हुई थी और ये टू वे की व्यवस्था हुई है, इस दोनों में क्या अंतर पड़ रहा है, और उसके बाद फिर और लोगों का फीडबैक लेते हुए और उस व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता है। रोहित पांडे, जिलाध्यक्ष, भाजपा भागलपुर। की गई है ट्रैफिक सिग्नल, शुरुआत हो गया, कितना कैसा लग रहा है? इससे जो है पब्लिक को ही सुविधा हो रही है, पहले जो है बहुत जाम हो जाता था, हर जगह जाम, शाह मार्केट में, खलीफा बाग में, और तिक्चर क्या कहते हैं इनको, DRDA के पास। तो अब जो हमको लगता है कि इनसे काफ़ी जो है ना यात्री को सुविधा हो रही है। क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर अली। क्लियर है, हर एक रोड का जो लेफ्ट है उससे सिग्नल पर नहीं रुकना है, लेफ्ट क्लियर है हर एक रोड का। तो जितने भी गाड़ी चालक हैं, आप लोग जिनको लेफ्ट बोलना है वो बढ़ते